बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। ये स्पेशली पंजाब के सरकारी मुलाजिम्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूलों या कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अदद फार्म की ज़रूरत है जिसको फिल करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको फॉर्म की पूरी डिटेल बताऊंगा और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलें सबसे पहले मैं चलता हूँ फॉर्म की तरफ। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास फॉर्म है, इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बेनेवोलेंट फंड से तालीमी वजीफे के लिए दरख्वास्त फार्म बराए साल 2019 और 2020। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम, तालिब इलम जो तालिब इलम तालीम हासिल कर रहा है उसका नाम, अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपके बच्चे हैं तो आप दो या तीन फार्म ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप मैट्रिक पास करने वाले तालिब इलम और मैट्रिक से ऊपर वाले तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो 16वीं क्लास तक हासिल कर सकते हैं अपनी, हर साल ये तालीमी वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर, इसी तरह सरकारी मुलाजिम या मुलाजमा से रिश्ता और गार्डियन, अगर आपके पास आपके माँ बाप फौत हो चुके हैं या आपने गार्डियन सर्टिफिकेट बनवाया तो आप गार्डियन का भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने सरकारी मुलाजिम का नाम, कैफियत, गजटेड या नॉन गजटेड, ठीक है, गजटेड और नॉन गजटेड में फ़र्क ये है कि आप अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब एक महकमे से दूसरे महकमे में वक्ती तौर पर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है तो आप नॉन गजटेड कहलाएंगे। अगर आप एक ही महकमे में शुरू से काम कर रहे हैं तो आप गजटेड पर टिक लगाएंगे। इसके अलावा हाजिर सर्विस, रिटायर्ड या फौतशुदा या मज़ूर रिटायर्ड हैं तो आप इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद अगर आपके रिटायरमेंट हो चुके तो आप फिर भी ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आप वफात पा चुके हैं और आपके पास पेंशन आ रही है तो आप भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये आगे सारी डिटेल आपने फिल करनी है कि गवर्नमेंट से रिश्ता क्या है, बेनेवोलेंट फंड आपका कट रहा है या नहीं है उसका सबूत देना है आपने, तालिब इलम के तालीमी इदारे का मुकम्मल पता, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर वो तालीमी इदारा प्राइवेट है तो, कोर्स में दाखिले का साल, दो साल का कोर्स है, चार साल का कोर्स है, ठीक है, उसकी मुद्दत लिखनी है, सेशन लिखना है 2012 से 16 तक है या 16 से 20 तक है या 20 से 21 तक है, आपने सेशन के अंदर लिखना है। पिछले इम्तहान में जो आपने पिछले साल इम्तहान दिया मैट्रिक का, FSC का या BSc का, तो आप यहाँ पर कुल नंबर लिखेंगे, हासिल कदर नंबर या परसेंटेज। इसके अलावा अगर आपने किसी और बच्चे का भी नाम फार्म जमा करवाना है तो उसका यहाँ पर नाम, क्लास और तालीमी इदारा यहाँ एंड पर मेंशन करना है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ अपने। दूसरे पेज में आपने बैंक के बारे में लिखना है, बैंक जिस बैंक में आपका अकाउंट है गवर्नमेंट मुलाजिम का, जहाँ पर आपकी पे आती है या आपके पास नेशनल बैंक का अकाउंट है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये नीचे आपके वजीफ़े की अमाउंट भी लिखी हुई है, 16 साल तलीम या जायद तलीम के लिए 6,000 है, 14 साल के लिए 3,000 है, स्पेशल वजीफ़ा उनके लिए होता है जो 90% से ऊपर मार्क्स लेते हैं, उनके लिए स्पेशल वीज़ा 50,000 तक है। इसके बाद आपका तस्दीकनामा आ जाएगा, ये तस्दीकनामा आपकी तरफ से होगा जिसमें आप अपने तालिब इलम का नाम लिखेंगे, उसका साइन वगैरह और घर का मुकम्मल पता लिखेंगे। इसी तरह वालदा और तालिब इलम का सरपरस्त का नाम यहाँ पर हम सरकारी मुलाजिम के नाम से लिखेंगे। तालीमी इदारे के सरबरा का तस्दीकनामा, जो आपके हेड मास्टर, प्रिंसिपल या डीन वगैरह हैं तो आप यहाँ पर उनके नाम, ठीक है, डिटेल पूरे तालीमी साल की और कोर्स की डिटेल लिखेंगे और एंड पर दस्तखत और ओहदा लिख कर यहाँ पर तस्दीक करवाएंगे। सरकारी मुलाजिम के ऑफिस से, मतलब जो सरकारी मुलाजिम जिस दफ्तर में काम करता है वहाँ से आपने इसका तस्दीक करवाना है,
इस पेज के एंड पर, उसमें भी आपका नाम आ जाएगा सरकारी मुलाजिम का और उसकी पोस्ट आ जाएगी, और एंड पर जो वहाँ का ऑफिसर होगा उसका तस्दीक के लिए ओहदा, नाम और मोहर वगैरह आ जाएगी यहाँ पर। चलते हैं अब हम तीसरे पेज की तरफ, जिसमें सारा आपका जो डाटा है वो सम अप किया गया है और आपको हदायत दी गई है कि जिसमें आपने क्या क्या अटैच करना है इसके साथ। ये 1 से 12 तक की लिस्ट है, ये आपने टिक करना है इसको कि आपके पास ये चीज़ें आपने इसके साथ लगा दी हैं फुल, और आपका फार्म तकरीबन फुल हो चुका है। इसके एंड पर आपने दस्तखत करना है मुलाजमा का और तालिब इलम का। एक इसमें ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो आपकी शॉर्ट्स कॉपी हैं, मतलब आईडी कार्ड वगैरह हो गया या कॉलेज का कार्ड हो गया, तो आपने उसको फुल स्केप में, मतलब पूरे पेज पर आपने लिखकर जमा करवाना है। पूरे पेज पर आपने उसकी फ़ोटो कॉपी करवानी है। आप फोटो स्टेट पर जाएंगे तो आपको वो फुल स्केप के ऊपर उसकी फ़ोटो कॉपी कर देगा, वो आपने साथ लगानी है। इसके अलावा आपने ये डिटेल चेक कर लेनी है, इसको पढ़ लेना है कि आपने इसको अटेस्ट किस तरह करना है। अटेस्टेड के लिए आप सेल्फ अटेस्टेशन नहीं कर सकते, किसी और ऑफिसर से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। अगर आपके वालिद या वालदा 17वीं 18वीं ग्रेड गए तो वो ख़ुद अटेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो एंड वाला ऑप्शन है दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है, और इस फार्म को आपने DCO ऑफिस में बेनेवोलेंट फंड के डिपार्टमेंट में जमा करवा देना है। और इसकी ड्यू डेट है, मार्च तक। सो गाइज, आप इसको फॉर्म को यहाँ मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल की नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आपके पास इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।